समजलं जिमी आला खरोखर कॉपीराइट घेऊन हा वॉलला पण पूर्ण काहीतरी गोष्टींनी भरायचा विचार चालू आहे. हे थांबो. तो आज के दिवस में हमको काम है, हेलमेट को भी साफ करना है, पंखे को भी साफ करना है, एक बैग आया है फिर से नवीन रिपेयर के लिए तो वो भी करना है. कल गाड़ी का काम करवाया था, मैं आपको मस्त दिखाता हूँ क्या क्या करवाया गाड़ी में जाके. एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो रहा था कि गाड़ी जब स्टार्ट करता हूँ ना तो एक्सी होल्ड करके रखना पड़ता था गाड़ी चालू रखने के लिए. ये BS6 का पुराना प्रॉब्लम है, तो वो जो था प्रॉब्लम वो सॉल्व करके आ गया. और बाल देख रहे हो ऑयली ऑयली से दिखते रहेंगे, चंपुड़ी दिख रहा रहूंगा, चंपुड़ी चंपुड़ी से अपन अभी बाल धो लेते अच्छे से व्यवस्थित तरीके से तैयार होते. आपको गाड़ी के बारे में डिटेल्स दूंगा और तुरंत उधर से निकल जाऊंगा पार्ला के लिए. एक सेशन अटेंड करना, आज के दिन का सिर्फ एक ही सेशन है और आज हमारा फुल रेस्ट है क्योंकि आज जिम भी नहीं है. क्योंकि आज मैं सोच रहा हूँ कि अच्छे तरीके से एक ब्लॉग मस्त वाला शो ना ही मंगता है. ठीक है चलो बाल धोता हूँ, बाद में मिलूंगा डायरेक्टली किधर, ऑफिस के उधर. क्या बोलते पब्लिक? हाँ मेरी जान. पूरा शेड्यूल क्या है मैं आपको अभी पूरा बता देता हूँ. अभी हम निकल चुके हैं पार्ला, पार्ला से क्लाइंट अटेंड करेंगे, फिर सेंटा क्रूज में आएंगे. सेंटा क्रूज में आके एक टॉवल खरीदना है व्हाइट कलर में और एक नैपकिन खरीदना है व्हाइट कलर में. और फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा गाड़ी में कल क्या क्या सीन कराया है. मस्त अंदर से पूरा क्लीन कर दिया गाड़ी. और जो इशू था जिसे छोड़ने के बाद देखो ये अभी बंद नहीं होता, चल गया गाड़ी. अरे बंद हो गया, खराब हो जाएगा भाई. अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, इनकी इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा. तो नहीं होना चाहिए था भाई साहब, फोकट हो गया वे. एनीवेज अंदर से मस्त क्लीन किया गाड़ी, वो देख के तो मेरे को मजा आ गया. तो हो गया कुछ अपने मन के जैसा. देखो नहीं बंद नहीं हुआ, देखो गाड़ी वाइब्रेट हो रहा है, मिरर देखो वाइब्रेट हो रहा है. गाड़ी बंद नहीं हुआ अभी, फोकट नहीं किया भाई इसने. इससे एक बार ट्रैफिक में फंसे हुए इधर से डाल दे. यहाँ पर तब तक ऐसा फील जो आता है तो अलग लेवल. फिर से एक बार फंसते हुए गाड़ी के अंदर गांव माता मिलते हुए, गांव माता को इधर से ही दर्शन करते हुए. ए टेम्पो वेड़ा. और कल का मैच देखा? अरे बाबो सीरज भाऊ तुम्हें श्रीलंका भट्ट भाई तुम्हें पुराने बदले घेते भट्ट प्रभु राम के. खराब हो जाएगा मैं, अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, इनकी अरे अंकल आने दो, पीछे आने दो. डालो डालो. तो भाई घर पे पहुंच गए, सेशन वेशन खत्म कर लिया, खाना वाना खा लिया, बहुत तगड़ी भूख लगी थी तो मैं आके पहले खाना खा लिया. हेडफोन हेलमेट की बैटरी भी डाउन हो चुकी थी तो हेलमेट को चार्ज पे लगा दिया है. खाना खा लिया, मुझे कोई चीज समझ में नहीं आ रही वॉच कब से. मतलब अभी मैं जट जी का ब्लॉग देख रहा था तो तब से मैंने वॉच को चार्ज के लिए लगा दिया, अभी तक वो चालू नहीं हुआ. देखते आज पूरा टाइम चार्ज पे रख दूंगा. अभी जाता हूँ ऑफिस, ऑफिस में जाके गाड़ी खोल के आपको पूरा मतलब वो सीट निकाल के दिखाता हूँ कितना चकाचक कर दिया गाड़ी को अंदर से. एक बार आपको दिखा दूंगा फिर उधर से निकलेंगे, जाएंगे डायरेक्ट सेंटा क्रूज. सेंटा क्रूज में जाके आपको दिखाता हूँ शॉपिंग करेंगे, एक नैपकिन और एक टॉवल और पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए दो. और ये देखो पंखा कितना खराब हो चुका अंदर से, इसको भी साफ करते हैं.
देख सकते हो कैसे ये पूरा है ना खराब हो चुका है। ये आप देख सकते हो इधर कैसा रस्ट अपना डस्ट का पैचेस है इधर भी। ये पूरा खराब हो चुका था तो अंदर से पूरा पानी भी नहीं मार के एकदम व्यवस्थित तरीके से मैंने उसको साफ कर दिया भाई रिस्कुटा के और एकदम अच्छा वाव मस्त नीट नेट का हो गया गाड़ी। दिवाली आ रहा है तो दिवाली में उसका गाड़ी का भी आंगोल कर दिया। बस फुटना बिटना लाने का रह गया बाजू में चिराड़ा बिराड़ा फोड़ने का बाजू में रह गया बाकी एकदम व्यवस्थित हो गया। पहले अच्छा गाड़ी चालू करने के बाद ये चालू हो गया अभी मैं अगर इसको छोड़ दूंगा नेक्सी को अभी चल रहा है आवाज आता रहेगा तुमको दिखाओ इधर ये कैसा इंजन चालू है ये चालू हो रहा है अभी पहले कैसा पहले एक्सी चालू करके बंद कर दूंगा तो डायरेक्ट बंद ही होता था ये प्रॉब्लम था तो वो भी सॉल्व कर दिया। 50 जुगाड़ तिकड़े सगड़ ठीक है चलाता डायरेक्ट सेंटा क्रूज। तो फैमिली मेंबर्स चल पड़े हम सेंटा क्रूज के लिए हसनाबाद लेन से जाएंगे और हसनाबाद लेन में गाड़ी लगाएंगे वन साइड आरवा खड़ी रहती है ना तो वन साइड लगे जिमी 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 आजा 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 बस एवडा था मतलब जिमी आला भरोकर कॉपीराइट गेम मैं ये वाले रूट से जिम लेके आया मालूम है हर टाइम पार्ला जाते समय भी वही रूट लगता है और फिर सेंटा क्रूज जाने के लिए भी वही रूट लगता है तुम वही सेम रूट देख के पक जाओगे इसके लिए फिर मैं सोचा इधर से लेकर इधर सेंटा क्रूज में पहुंच गया अभी फटाफट टूवेल ले जाए और निकल। एक टावल वाले अंकल से पूछा हमने तो वो बोल रहे थे मेरे पास नहीं है तो बोलते व्हाइट वाला टावल आता नहीं है। मैं बोला मैं वापरता हूँ आता है तो अभी चैतू को भेजा था आगे तो अभी वो बोला कि है आगे करके तो अभी देखते किधर क्या विषय। दोन पसंद किए एक लाल वाला नैपकिन है और एक व्हाइट वाला टॉवेल है। अभी बेस्ट प्राइस लेते हैं अंकल से सेंटा क्रूज मार्केट और निकलते डायरेक्टली घर पे काम। सब लोग बोल रहे अंदर अंदर ऐसा ना हो जाए सब लोग अंदर से डायरेक्ट अंदर ही चलते सीधा बाहर। तो दोस्तों टॉवेल और नैपकिन ले लिया है कुर्ता देख रहा था बट मन नहीं करा लेने का क्योंकि उनके पास वैसा नहीं था। तो मित्र हो देखो अभी पंखा तुम अभी देखो कि जूता ये ट्राइपॉड ये इधर क्यों लिया है हेलमेट है अपना इधर चाहे तुमको बोले तो चार्जिंग के लगाओ पर चल क्यों लगाए ठीक है। अभी हेलमेट हेलमेट के लिए हम यूज करेंगे ये मोटुल का हेलमेट क्लीनर इनसाइडर। उसके बाद शूज का जो नीचे के सोल्स है जैसे कि ये ऐसे और ट्राइपॉड का ये ऐसा इसको चिपकाने का ये होगा लास्ट में। सबसे अपन पहले कर लेते ये ताकि अपन जब हेलमेट का काम करें तो वो हवा वहा लगे। ये एक जाली खोला ये बड़ी पंखी बड़ा पंखा खोला अभी ये जाली खोलने का चार नट बोल्ट है इधर खोलम खालम करने का काम चालू एक दो तीन इत्र पिंडी पॉप ऑफ। गंदा गंदा बच्चा और भगिनी नो देखो मस्त एकदम ऐसा चकचकीत बना दिया पंखा। किसी के घर का पंखा बिंका साफ करना रहेगा दिवाली का 100 रुपया मजूरी एक घंटे का मेरे को बुलाओ ट्राइपॉड बोलते रहे। आता एक काम करतो शूज आणि ट्राइपॉड चा आपण आज करूया हेल्मेटला पण उद्या क्लीन करूया। उद्यासाठी पण आपल्याला काहीतरी टॉपिक राहिला पाहिजे की नको की एकाच दिवसात जगला वाच की एकदम वन साइड आणि ह्या वॉलला पण पूर्ण काहीतरी गोष्टीने भरायचा विचार चालू आहे। स्टे ट्यून मस्त वन साइडेड जो मेरा लेखा जोखा आहे क्रिकेट का मैं इसके ऊपर दिखाने वाला हूँ पूरा बहुत जल्दी वो भी डाल देंगे लगभग दिवाली तक आना चाहिए। बैग और हेलमेट मैं कल करूंगा तो होप करता हूं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा रहेगा तो लाइक कर देना सब्सक्राइब कर देना और अगर आपको लगता है कि मैं मेरा वीडियो शेयर करने लायक है तो शेयर भी कर दो तो ज्यादा हेल्प मिलेगी हमारी फैमिली बढ़ाने के लिए ठीक है। तो मिलता हूं सीधे नई वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर।